आज हम लोग बहुत ही सीरियस इशू हैशटैग मीटू के बारे में बात करने वाला है। ये जो है आखिर क्यों इतना ट्रेंडिंग में है, इसके जानने के लिए हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की ओर चलते हैं। यदि हिस्ट्री में जाकर देखें तो इसकी शुरुआत जो है वो 2006 में किया गया था, लेकिन 2006 में जो है कि उस समय इंटरनेट पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए यह जो है कि मामला ज़्यादा तुल नहीं पकड़ा। लेकिन 2017 में हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिना मिलासो ने नामी ग्रामी डायरेक्टर हार्वी बिस्टन पर हैशटैग मीटू के द्वारा आरोप लगाया, और उसके बाद उस पर इतनी सारी लड़कियों ने उस पर आरोप लगाना शुरू किया कि कोर्ट को जरूरत ही नहीं पड़ा कुछ बोलने का, लोगों ने वैसे ही कह दिया कि इसलिए तो बहुत ही लुच्चा निकला। उसके बाद हैशटैग मीटू के लपेट में आ गए, दादाजी फूफाजी नानाजी मामाजी सब के सब इसके लपेट में आने लगे। भैया मैं तो कहूँगा कि इनके ठरकीपन में कोई भी दोष नहीं है, यदि इनके बचपन में इनके पेरेंट्स बता दिए होते तो आज इनके 50 साल की उम्र में यह समझाने की नौबत ही नहीं आती कि हाँ लड़कियाँ कोई वस्तु नहीं है जिसे कि हम कोई वस्तु की तरह ट्रीट करें। और हाँ, लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि उसी समय क्यों न बताई, हो सकता है उस समय बदनामी के डर से या फिर किसी अन्य कारण से वह उस समय नहीं बता पाई, इसलिए वह अब बता दी तो उसने कौन सी गुनाह कर दी। और हाँ, लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि सक्सेस मिली तो ठीक, नहीं तो वह बोल दी। ठीक है, वह बोल दिया, लेकिन वह उस समय भी तो उसके साथ गलत ही हुआ होगा जब उस कोई डायरेक्टर या अन्य लोगों के द्वारा वस्तु की तरह ट्रीट की। और हाँ, आप सभी जो कि पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हाँ आप अपने बच्चों को समझाएं, और ना समझे तो दो चार थप्पड़ भी लगाएं, और बताएं कि लड़कियाँ कोई वस्तु नहीं जिसे हम वस्तु की तरह ट्रीट करें। तुम्हारे भी बहन है और वह लड़की है, वह भी किसी न किसी की बहन होगी, तो लड़कियों को इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनका यौन शोषण, ताकि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में यह समस्या। और हाँ, आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग हैशटैग मीटू पर कुछ भी देखते हैं और फिर अपने धारणा बना लेते हैं और बोलने लगते हैं कि साला ये तो बहुत ही शरीफ था और बहुत ही लुच्चा निकला, और फिर उसे गालियाँ वगैरह देने लगते हैं, तो पहले आप जो है सो दोनों पक्षों की बात सुने, उन्हें भी अपना बोलने का मौका दे, और फिर उसके बाद दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद या हो सके तो कुछ लीगल नोटिस आने के बाद जो है कि लीगल नोटिस आने के बाद अपनी धारणा बनाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वीडियो का अंतिम शब्द यह है कि आप अपने छोटों को समझाएं, और ना समझे तो कस कर दो चार थप्पड़ मारें और उसे समझाएं कि लड़कियाँ कोई वस्तु नहीं है जिसे हम वस्तु की तरह ट्रीट करें। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दिल की प्यारी प्यारी बातों को नीचे कमेंट में बताना, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।